हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का ट्रक ड्राइवर ब्लॉग्स के एक नए से वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अलाल प्रसाद। सुबह सुबह के आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का भाई टाइम 7:30 हो चुका है अभी, और हम भाई रात को ही पहुंचे थे। कल नाइट को भी भाई 1:30 से 2 बजे भाई यहां पे पहुंचे थे और सो गए थे भाई वहां के, जैसे कि हमने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। और भाई सुबह सुबह आए गोडाउन वाले, जगा के भाई बोले कि जाओ इधर से, क्योंकि नो एंट्री में आप खड़े हो, आएंगे पुलिस वाले और चालान कर देंगे। 1 किलोमीटर भाई आके बाहर मतलब खड़े हो गए हैं। तो आपको एक बार बैक कैमरा से व्यू दिखाते हैं, तो आपको लोग फिर से बता देते हैं भाई ये बीरगंज का इलाका है नेपाल का, और हम अभी नेपाल में ही खड़े हैं। देखते हैं भाई आज अनलोडिंग कब तक होती है। ये इलाका आप नेपाल थोड़ा बहुत देख लो भाई, हालांकि भाई बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, 10 किलोमीटर आगे भाई आने पर। और ये भाई घर है, कंपनी है, जो भी है भाई व्यू। बाकी सब भाई ये गाड़ी एक देखो, नेपाली गाड़ी है भाई, ट्रक देखो, नंबर भी नेपाल का होगा है ना भाई, आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ यहाँ पे देख लो भाई, नेपाली में कुछ लिखा गया है। और बाकी भाई व्यू देखो इधर का, सुबह सुबह का टाइम भाई, कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा अपने आपको। तो भाई आगे पूरा मतलब उधर सिटी से भाई बाहर ही आ गया एकदम, आदर्श नगर से आप बोल सकते हो। कंपनी लगती है भाई ये हमारी, और अपनी गाड़ी ये खड़ी भाई। अपनी गाड़ी ये भाई साइड में खड़ी है, धूल मिट्टी से भाई लटा गई, बिकॉज भाई बारिश हुआ है ना 2 दिन पहले, इसी वजह से। तो इसको पूरा कर नीचे से भाई धुलवाना पड़ेगा। ये सब यही सीन है व्यू, बाहर निकलने का भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा अभी। 7:30 हो चुका सुबह सुबह का, गुजरात महाराष्ट्र में रहता तो भाई आपसे घूमते रहते। तो भाई करते हैं वेट, पापा गए तो भाई गोडाउन के अंदर फ्रेश वगैरह होने के लिए, उसके बाद हम भी दोस्तों जाएंगे, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। 10 बजे भाई लेबर लोग आएंगे, तो 10 बजे भाई गाड़ी जाएगी गोडाउन पे, गोडाउन पे जाने के बाद अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं भाई कब अनलोडिंग होता है, कब यहाँ से निकलते हैं। वीडियो के साथ दोस्तों इन तक जरूर बन रहिएगा। और बाकी सब भाई एक छोटी सी मोटी आपको जानकारी दे देते हैं, ये इलाका है ना भाई, मतलब अब बोल रहे थे भाई मतलब कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे यहाँ से बात करते हैं, तो भाई ये लैंग्वेज यहाँ पे है ना, ये सिस्टम कि भाई बॉर्डर बिहार से सटा हुआ इलाका है, तो भाई यहाँ पे भोजपुरी भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, और नेपाली भी भाई बोला जाता है। यहाँ पे करेंसी भाई दोनों चलती है। अब हालांकि भाई आप अगर काठमांडू साइड जाओगे तो वहाँ पे भाई आपको नेपाली पैसे देना पड़ेगा ज़्यादातर, क्योंकि मतलब ऐसा सुने हैं हम भाई, तो वहाँ पे हम ना नेपाली पैसा देना पड़ेगा भाई। इंडियन शायद नहीं चलेगा या चलेगा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर भाई आपको इंडियन कोई भी पैसा आपको मतलब कोई भी सामान खरीदिएगा तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि इंडियन रुपये इतना रुपये और नेपाली में इतना पैसा है, इस तरह से भाई मतलब रेट लगाया जाता है यहाँ पे। और इंडिया का भाई करेंसी जो है ना अपना, तो यहाँ पे भाई 60 पैसे भाई मतलब 1 रुपये आप दोगे इंडिया का, तो नेपाली पैसा में भाई 1 रुपया 60 रुपये, 1 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। जैसे आप ऐसे 10 रुपये अगर आप दीजिएगा यहाँ पे, तो भाई 16 रुपये हो जाएगा सोचो। तो इस तरह से भाई यहाँ पे बड़ा होता है, 60 पैसा का भाई करेंसी आगे है हमारा। तो बाकी सब भाई वो तो भाई लेवल ही हो जाता है, क्योंकि इतना महंगा यहाँ पे दे देते हैं ना कि पूरा आप इंडिया के रेट से ही लेना पड़ता है यहाँ पे। तो चलो बाकी भाई यहाँ से निकलेंगे तो डीजल भी डलवाएंगे, तो यहाँ पे डीजल का भी रेट आपको दिखा देंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिएगा। कोहरा इतना है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हट रहा है, लगता है भाई धूप होगा, नहीं तो भाई इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था सुबह सुबह कि हमको क्या बताऊँ भाई, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बाकी भाई ये सुबह सुबह का व्यू है यहाँ का, देखो चापाकल भाई, पानी मिल जाएगा आराम से यहाँ पे भाई। हमने लेकर आया भाई नेपाली करेंसी, देखो 40 रुपये, इसका भाई बोल रहे हैं कि 25 रुपये होगा इंडियन में, और 2 बिस्किट और 2 भाई कुरकुरे लेकर आया 25 रुपये का अपने इंडियन के हिसाब से। और बाकी भाई ये देखो करेंसी, मैं बैग कैमरे से दिखाता हूँ आपको, नेपाली करेंसी 20-20 रुपये का है भाई, 2 50 रुपये दिया भाई, 25 रुपये इंडियन में भाई लिया, 40 रुपये भाई वापस आया, है ना दुगना भाई फायदा। कोई बात नहीं भाई, इसका भाई रेट होगा इंडियन में 25 रुपये भाई बोल रहे थे दुकानदार से पूछा हमने। तो खाली करने का मतलब वेट करते हैं आराम से, और
वहीं पे भाई खाना पीना बनाया गोडाउन पे 10 बजे के बाद, क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है भाई। तो दोस्तों अभी दोपहर का बज चुका है 2, और भाई स्नान वगैरह करके भाई गोडाउन में ही, मतलब जहाँ पे अनलोडिंग होगी भाई गाड़ी, वहीं पे भाई स्नान वगैरह करने का सब व्यवस्था है। तो भाई वहीं पे स्नान वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके और भाई जा रहे खाना बनाने के लिए। अभी तक भाई हमारी गाड़ी अनलोडिंग के लिए लगी नहीं है, बोले भाई 3 बजे के बाद से अनलोडिंग होगी हमारी गाड़ी। तो ऐसे भाई रात को ही निकलना है 9:30 के बाद, 10-11 बजे के बाद भाई। तो इसीलिए यहाँ पे भाई अपन खाना बना रहे हैं अभी जाके भाई, क्योंकि 3-4-5 दिनों से भाई स्नान किए नहीं थे, टाइम नहीं मिला था। तो इसीलिए भाई मतलब स्नान किया आज पूरा, ठंडा तो भाई आज भी था, लेकिन अभी दोस्तों पूरा का पूरा धूप उग चुका है 2-3 दिनों के बाद। अक्सर पता नहीं यार कितना देर तक धूप रहेगा। देखो बहुत अच्छा, मतलब एक बोल सकते हो यार, ठंडा ठंडा होके भाई, और एक बाइक धूप उगे ना तो जितना अच्छा लगता है ना। दिखाता हूँ भाई यहाँ का बैक कैमरे से व्यू, देखो ये रहा भाई, देखो आदर्श नगर बीरगंज नेपाल के अंदर का कुछ व्यू देखो। और भाई अपनी अपना गोडाउन जो है ना उस साइड में, इस घर के मतलब आगे से रोड से राइट मारेंगे, उसके बाद भाई जाएंगे वहाँ पे गोडाउन पे, जहाँ पे अपनी मेडिसिन अनलोडिंग करना है, जो लोडिंग करके लाए हैं भाई। तो ये रहा व्यू, और यहाँ पे भाई गाड़ी, नेपाली गाड़ी भाई देखो अनलोडिंग हो रही है, क्रॉसिंग कर रहे हैं भाई एक्चुअली में माल यहाँ पे। बाकी भाई दाल चावल आज जल्दी से बना लिए, भाई चावल बैठाए हैं, उसके बाद भाई खाना पीना करेंगे, उसके बाद आराम से देखेंगे भाई, वेट करेंगे कि लेबर लोगों का, भाई लेबर लोग आएंगे ले जाने के लिए हमें अनलोडिंग करने के लिए माल। तो भाई अनलोडिंग करेंगे, तार पत्र वगैरह सब खोलेंगे। तो यही भाई व्यू है दोस्तों, यहाँ पे आके गाड़ी खाली अनलोडिंग हो रही है। कहो तो दोस्तों, देखो एक गाड़ी यहाँ पे, हाँ हम कौन सी जगह में है, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहना है ना, बात करो। हाँ अच्छा हो जाएगा बिल्कुल यार। मतलब वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं कि नहीं, तो हिंदी तो भाई हाँ समझते हैं, बोलो समझते हैं। वही मतलब गाड़ी चलाते थे 20 साल से इंडिया में। हाँ पहले हम इंडिया में चलाते थे गाड़ी 20 साल पहले, अभी हमको 4-5 साल हुआ इधर आए हुए, बस ठीक है, जो भी क्या करें, बस अपना घर पर रहते हैं, मतलब घर जाते आते रहते हैं, इसीलिए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, क्या करें। तो ये बात रहता है दोस्तों, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, गाड़ी में एक नया सा, मतलब हम लोग भाई इंडिया में मतलब पीछे आगे की तरफ गेट खुलता है, यहाँ पे उस साइड में है ना पीछे तरफ गेट दिया गया है ना। तो थोड़ा भाई ट्रक को दिखाता हूँ मैं, नेपाल के ट्रक को। ये किस स्टेट की, मतलब कहाँ का है ट्रक अपना? ये हमारा उधर है धनगढ़ी का, धनगढ़ी भाई नेपाल में पड़ता है, धौरी पंडा। हाँ लखनऊ जाने वाला रास्ता है। अच्छा लखनऊ से आने वाला रास्ता है। तो भाई वहाँ का भाई व्यू है। तो भाई सुन लो, यहाँ पे सब हिंदी, तो भाई हिंदी तो लैंग्वेज यहाँ पे चार रोड चलता होगा लगभग, तो पूरा परफेक्ट हो गया है। भोजपुरी तो भोजपुरी हाँ भोजपुरी सब चलता है, भोजपुरी भी चलता है ना। तो भाई देख लो यहाँ का व्यू, और अपनी गाड़ी वो खड़ी रही वहाँ पे। हाँ हाँ दिखा देते हैं, दिखा दे। ये क्या लिखा है उस्ताद जी? दुनिया ट्रैफिक के नियम पालन करो। मैं ऊपर 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 शायरी बोल रहा हूँ मैं। ये दुनिया जल से जली रहो, कार की ग्रुप चल से जली रहो। देखो भाई नेपाली बोल रहे हैं, तो इसका हिंदी में क्या होगा? जलने वाले चलो। हाँ हाँ चलने वाला चलते रहेगा, वही वाली बात है। अच्छा अच्छा हाँ। देख लो भाई इसका हिंदी, थोड़ा सा हल्का पॉइंट अलग है, देखिए ना, देखिए जरा गौर से देखिए, बात वही है। हाँ हाँ दुनिया चल रही, जलते रहे बाकी अब चलती रहे, चलते रहे बात। तो ये बाकी भाई व्यू है, अनलोडिंग हो रही है उस्ताद जी की गाड़ी, 6-7 दिनों से यहीं पे खड़े थे। 4 दिन हो गए, 4 दिन उन्होंने खा के पूरा हाल कर दिया, देखिए। मच्छर तो यहाँ पे काटते हैं, देखिए इतना सर्दी में इतना मच्छर है यहाँ, साला क्या हाल कर दिएगा आप बताइए तो जरा। मर जाएगा, बड़े बड़े शहरों में यही होता है यार, बंदा हालत बीमार हो कि मर जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। चारों तरफ यही है आलू साहब जी, फिर भी यार कुछ तो फकून होना चाहिए ना, ये नहीं कि साला मच्छरों में मरे रहो, साला चार पाए एक हफ्ता तक साला नहाना धोना पानी साला कुछ व्यवस्था नहीं है, बेकार हो साला पानी है नहीं हो। देखो भाई आपको नेपाल की गाड़ी दिखाता हूँ, 12 चक्का का गाड़ी, और भूमिराज दुर्बानी सेवा, और हाँ बाकी सब भाई, ये उस्ताद जी पूछ रहे हैं गाड़ी का कलर कैसा है, आप बताना कमेंट करके, कमेंट करके पूछ लेंगे वो भाइयों से। हाँ
बताना भाई वो कलर कैसा है। और देखो भाई पूरा दिल बना रखा है, देखिए आपने गाड़ी कितना मजा से आ रहा है ना। और भाई रेड कलर का हार्ड बनाया दिल, हार्ड। और बाकी सब भाई देखो फ्रंट का व्यू, केबिन का। और साजी अंदर थोड़ा देखते हैं, देखें? हाँ बिल्कुल, देखो अंदर भी गेट खोलो आप। अरे बिल्कुल आइए, पूरा देखा नहीं है आपको। इधर से तो मतलब यहाँ पे खुलता है, उस साइड से वहाँ पे खुल रहा है। खाना खा रहे हैं क्या? चलिए खा लीजिए, खा लीजिए, भी चलते हैं खाना करें। वो सर जी खाना पीना हो गया आपका? हमारा हो गया, आपका हुआ कि नहीं? नहीं जा रहे अभी तो बना रहे हैं, है, तो चलो दोस्तों खाना बनाते हैं, उसके बाद आपको केबिन के अंदर का दिखाते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करनी यार, खाना खा रहे हैं तो अभी। चलो भाई इसमें बन रहा है चावल अपना, दाल बन के भाई यहाँ पर रेडी हो चुका है। दाल चावल भाई खाना रहेगा आज का। और भाई वो आज का हमारा खाना देख सकते हो, चावल और दाल ही रहेगा भाई, बिकॉज आप लोग भाई जानते हो मतलब रोटी भाई वैसे ही टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए भाई रोटी नहीं पकाने थे। रोटी चावल दाल तो भाई अपना बनता ही है खाना, तो खाना करते हैं उसके बाद भाई आपसे बात करते हैं। ये देखो तो भाई अचार है ये। तो भाई वो खाना पीना करते करते भाई टाइम हो चुका है 2:45, और भाई लेबर आ गए थे बुलाने के लिए, तो चलो भाई अनलोडिंग करते हैं गाड़ी को जल्दी से, और भाई आते हैं फिर वापस यहीं पे आना है, उसके बाद आपको केबिन उस गाड़ी का दिखाएंगे भाई। बाकी भाई यहाँ का व्यू देख लो, वो भाई लेबर साहब हमारे जा रहे हैं साइकिल से। ऑटो रिक्शा भाई, साइकिल रिक्शा इधर चल रही है। तो भाई ओ सिटी मेन वीरगंज का एक चीज़ देखा था भाई, देखो ये ड्राइंग की हुई है दीवार पे, पता नहीं भाई आई लव नेपाल लिख के, ठीक है। तो दोस्तों खुल गया अपना रास्ता त्रिपाल यहाँ पे, और यहाँ पे वही रख दिए। चलो अनलोडिंग होने वाली है दोस्तों स्टार्ट अभी अब। और भाई वो देख सकते हो हमारी गाड़ी का भाई लोडिंग स्टार्ट हो गया है फाइनली भाई नेपाल के अंदर। शाम का बज चुका है भाई 5 पूरा भाई, और हमारी गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से अनलोडिंग, देख सकते हो पूरा भाई खाली हो चुका है अभी। तो दोस्तों करते हैं वेट अभी, और खाना पीना बनाएंगे आराम से भाई, थोड़ा देर वेट करेंगे सोएंगे, उसके बाद भाई रात को 10 से 11 बजे भाई यहाँ से निकलेंगे नो एंट्री खुलने के बाद। उसके बाद भाई जाकर बॉर्डर पर रुकेंगे, बॉर्डर पर भाई रुकने के बाद कल सुबह भाई पार करेंगे यहाँ पे इंडिया में अपने इंटर कर जाएंगे। तो भाई यही व्यू है शाम का टाइम, आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा बैक कैमरे से भाई। वहाँ पे गोडाउन से आगे अनलोडिंग करके भाई आगे अपने जहाँ पे भाई पिछले बार खड़े थे खाना पीना बनाए थे, यहाँ पे नो एंट्री का भी नो टेंशन है, नहीं तो भाई फाइन भी लगता है इधर भाई। शाम का टाइम का कुछ भी, एक बात तो है भाई ये रिक्शा बहुत ज़्यादा चल रही है, देखो साइकिल वाला रिक्शा, तो ये भाई व्यू है। चलो डाला बंद करते हैं आराम से, उसके बाद आपसे बात करते हैं। 5:30 का टाइम, इतना भाई यहाँ पे ठंडा स्टार्ट हो गया ना, हवा भाई चल रही है थोड़ी थोड़ी मंद मंद हवा, और भाई यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा मतलब अभी से स्टार्ट हो गई है यार। चलो भाई अंदर देखो, स्वेटर पहने हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भाई ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रात का बज चुका है 8 और यहाँ पे, और भाई अपन भी खाना बना रहे थे, थोड़ा उस्ताद के भाई केबिन में आ गए, जो अपना भाई बताए थे सुबह में भाई वो खाना खा रहे थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किए, तब तक भाई अपना गाड़ी अनलोडिंग करने चले गए थे। अभी भाई फिलहाल आपको दिखाते हैं उस्ताद जी का केबिन, क्या बोलते हैं उस्ताद जी? अच्छा आपके यहाँ उस्ताद जी बोलते हैं ना ड्राइवर लोग? तो भाई देख लो उस्ताद जी का केबिन, और इसमें भी भाई खाना बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ पे देखो भाई 17 लीटर का सिलेंडर रखा है, 17 लीटर का है ना, 15 लीटर का है। और यहाँ पे भाई इनका केबिन मतलब देखो खाना भाई यहाँ पे ये लोग बनाते हैं, और कुछ इस तरह का भाई केबिन सजा हुआ यार, अपने से तो कहीं भी अपना अपने से तो अच्छा ही है। और भाई देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब गेट नहीं है, यहाँ पे गेट है भाई देखो। यहाँ पे एक अलग सा मतलब हम लोगों में होता है ना, वहाँ पे गेट है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो वहाँ पे गेट ना हो के यहाँ पे गेट है। मजे से देख ले, वहाँ से दिखाओ ना मजे से, ऐसे देख लो एकदम मजे से, आओ देखो
तो दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे गेट नहीं है, यहाँ पे गेट है। यहाँ नेपाल की गाड़ी सबके गेट यही होता है, हाँ यही पर होता है। दिखाओ दिखाओ गाड़ी जो भी आती है। तो मैं सोचा था दोस्तों एक बार जरूर मैं केबिन में बैठ के देखूंगा कैसा केबिन होता है नेपाली गाड़ी का। बाकी सब तो इंडियन का आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों, बताना आप कमेंट करके और लाइक कर देना दोस्तों इस वजह से वीडियो को। आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है केबिन। तो शादी चले, हम भी खाना बनाने, नौ से दस बजे आराम से साथ में निकलेंगे। आप तो इधर जाओगे ना, आप तो इधर चले जाओगे, हम को इधर जाना है सीधे। चलिए तो भैया, हाँ मतलब अपनी ड्राइवर लाइफ में भाई कब किससे कौन मिल जाए क्या कौन जानता है, कभी मिले या ना मिले, बस मिले तो हंसी मजाक वीडियो में लाइक करते रहेंगे। आपको भाई के मतलब सब्सक्राइब लाइक कर देंगे आपको मतलब। आप एक बार नेपाली में बोलो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे गर्द जन से, है ना। हाँ ठीक से आपको वीडियो आगे बढ़े, आपको प्रगति हो, राम रहो, अच्छा हो। यहाँ पे दोस्तों खाना बना रहे, चावल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, चावल और सब्जी बनाएंगे। हाँ जी चावल सब्जी भाई दोस्तों बनाएंगे अपने उस्ताद जी। और भाई ये रहा भाई नाइट का हमारा खाना, रोटी सब्जी भाई आज बनाए हैं हम, और भाई यही खाना करते हैं उसके बाद भाई धीरे धीरे करके निकलेंगे। तो दोस्तों हमारा पीना खाना पीना हो गया भाई, और पूरा का पूरा भाई 9 बज चुका है। देखो भाई नो एंट्री खुल गई है यहाँ पे भाई, गाड़ियाँ सब भाग के लग रही है, कल जो भाई अनलोडिंग होगी यहाँ पे। अभी भाई फिलहाल अपन निकलते हैं यहाँ से, इन लोगों भाई बाय बाय करते हैं, चलते हैं भाई बॉर्डर पे, उसके बाद वहीं पे आपको मिलेंगे। हमें डीजल डलवाना है यहाँ पे, आपको डीजल का रेट भी भाई दिखाएंगे। तो भाई वहाँ पे डीजल डलवा के आपको वहाँ का रेट दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कितना का भाई डीजल है। चलो फिलहाल कल रात को भाई आप लोगों ने इसी मतलब देख ही लिया होगा यहाँ का व्यू, तो डायरेक्ट भाई पेट्रोल पंप के पास मिलते हैं आप लोगों से। भाई वो यही गोडाउन था जहाँ पे हमारी गाड़ी आज सुबह में हुई अनलोडिंग, और पूरा का पूरा भाई शांत इलाका हो गया है, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे डलवा रहे हैं अपन डीजल, और देख लो भाई 124.25 रुपये भाई नेपाली रुपए में है, और इंडियन में 77 रुपये 66 पैसा यहाँ पे डीजल आ जाएगा। तो डलवा रहे भाई अपन टंकी में तेल 200 लीटर। बाकी आपको बैक में से व्यू दिखाते हैं भाई, 124.25 रुपये भाई नेपाली रुपये के हिसाब से, वही बात है भाई जो अपना मान सकते हो, 2.94 रुपये भाई बिहार में डीजल है, तो इसके हिसाब से भाई अब कितना सस्ता है आप जोड़ सकते हो, 15 से 17 रुपये का अंतर आएगा। बाकी यहाँ पे भाई डीजल चलवा ही रहे हैं। तो ये आ गया भाई 22,000 रुपये, देखो नेपाली पैसा 24,850 रुपये का डीजल इंडियन करेंसी में कितना हो गए हो बताओ ना। तो भाई वो इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करके बता रहे हैं कितना हुआ, 24,850 का 15,531 रुपये का भाई 200 लीटर डीजल आया। वही भाई आप इंडिया में जोड़ के बताना, 9 × 18 और 4 × 8 भाई मतलब कितना, 3,800 का भाई अंतर आएगा शायद इंडिया के साथ। भाई 94 रुपये भी बिहार में डीजल है, तो इतना भाई डिफरेंट है यहाँ पर डीजल का रेट। तो चलो दोस्तों अपन भरवा ले डीजल, पैसा भी निकल दिले अपन भरवा ले भाई डीजल, और यहाँ से निकलते हैं अपने बॉर्डर की तरफ, और वहाँ पे भाई करेंगे वेट सुबह में, बिकॉज भाई पार करना है हमें। तो चलो इंडिया के चलो भाई, भाई यहाँ पे नेपाली गाड़ी सब खड़ी है, और भाई पेट्रोल पंप का नाम भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी पेट्रोल पंप का नाम देखोगे भाई कंपनी का तो कोई कंपनी का नाम नहीं रहेगा यहाँ पे,
ऐसे ही भाई सादे रहते हैं। तो भाई अब फाइनली भाई बॉर्डर के पास भाई पहुंच गए हैं। हालांकि भाई रात है, कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भाई आपको दिखाएंगे नहीं। जो भी है भाई कल के वीडियो में आपको दिख जाएगा। और बाकी भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई नगर पालिका के यहाँ पे पैसा कटता है। इधर से जाओ तो भाई 200 रुपये, उधर से आओ भाई तो 200 रुपये, 400 रुपये भाई यहाँ पे नगर पालिका के नाम पे देना पड़ता है। ये भाई बड़ा धांधली। और यहाँ पे तो भाई कल रात को जा रहे थे तो आपको बताया ही होगा भाई, पुलिस वाले भाई 100 रुपये मांग रहे थे, नहीं तो भाई 1 घंटा के लिए खड़ी कर दिए थे और बाद में भाई 50 रुपये पर छोड़े। तो ये भाई सीन रहता है यहाँ पे यार, नगर पालिका में लूट मची रहती है हमेशा यार, कहीं भी नहीं लगता यार इतना। फिलहाल भाई मतलब क्या कर सकते हैं, चलो अभी भाई आगे बॉर्डर के पास। और भाई शायद कल जाने वाले हैं थोड़ा लेट से, क्योंकि भाई ताड़पत्री बनवाना है। आप लोगों को जो भी है भाई मतलब ताड़पत्री के क्या करवा रहे हैं वो आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। मतलब यहीं पे भाई सोने वाला है, क्योंकि भाई अभी पार तो होगी नहीं रात को गाड़ी बॉर्डर क्रॉस। तो कल सुबह भाई यहाँ पर बातचीत करेंगे। बाकी सब मिलते हैं दोस्तों कल के ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।